अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक साहब, हमारे अमेरिका के बड़े माशाल्लाह, मैंने अभी भी उनको कहा है कि आप वो लोग हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं जो अनसंग हीरोज़ होते हैं, जो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए और जो कंट्री आपने अडॉप्ट किया है उसके लिए बड़ी नेक नियती से काम करते हैं। मेरी जुरिस्डिक्शन से ये बहुत दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी हम इनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं और इनसे माशाल्लाह फैज़ लेते रहते हैं। और एक अच्छा दोस्त और एक बड़ा मुनफरद इंसान हमें मिला है अमेरिका में, जो अमेरिका से भी वफादार है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है और अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। तो ये खुशबख्ती है, हम लोगों की खुशकिस्मती है, अमेरिका की भी, पाकिस्तान की भी, कैसे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं जो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा कर रहे हैं। सो थैंक यू सिद्दीक साहब। मैं अब्दुल जब्बार मेमन हूँ, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान लॉस एंजलिस की जो कौंसलेट है उसमें गुज़्तर 4 साल से अपनी खिदमात यानी कि दे रहा हूँ। और ज़ाहिर है मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव या जो मेन पर्पज़ है यहाँ पर अपनी कम्यूनिटी को आउटरीच करना, अपनी कम्यूनिटी को काउंसलर सर्विसज प्रोवाइड करना और अपने कम्युनिटी को इस चीज़ के लिए आमादा करना कि वो एक ब्रिज बने, एक रिलायबल डिपेंडेबल ब्रिज हो बिटवीन पाकिस्तान और यूएसए, और उनके ज़रिए जिसको डायस्पोरा डिप्लोमेसी कहते हैं उसके ज़रिए उनको अमेरिका के लिए यानी कि एक सीढ़ी बनाएं और पाकिस्तान और अमेरिका के उनके ज़रिए से जो है बायलेटरल रिलेशंस आगे बढ़ें। फिर उसके अलावा ज़ाहिर है ये माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी या मेरे वेस्ट कोस्ट में बड़ी वेल ऑफ कम्युनिटी है, तो ये कोशिश मेरी रहती है कि उनको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, पाकिस्तान से ट्रेड में एंगेज करने के लिए उनको यानी कि आमादा किया जाए। तो इस तरफ ये जदोजहद जारी है, बड़े अच्छे यहाँ पे वेस्ट कोस्ट पे पाकिस्तानी हाई अचीवर्स हैं, उन्होंने हर फील्ड में, चाहे वो प्रोफेशनल हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। और फिर मेरे पास सिलिकॉन वैली है जो आईटी का दुनिया का डिजिटल हब है और जहाँ पे माशाल्लाह इतने बड़े पाकिस्तानी लोग हैं जो आईटी की फील्ड में नाम पैदा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो पाकिस्तान के हालात हैं उस लिहाज से आईटी में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में उन्होंने अपने सब ऑफिसेज खोले हुए हैं और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है।